हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 9 और मैं थोड़ी देर बैठ गई। मैं कहा चलो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ और मशीन लगानी है मुझे। सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। कपड़े ना दो दिन से तो धोए ही नहीं थे मैंने बिल्कुल भी, लेकिन आज धूप भी अच्छी निकल पड़ी और मैं फटाक मैंने कहा सुबह लगा लेती हूँ, दिन में सूख जाते हैं और साथ साथ ना लपेट के अंदर अपनी जगह सेट हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो लगाती हूँ मशीन और पूजा का अपन आने गए हैं, ब्रेकफास्ट की करती हूँ तैयारी। तो आइए आज के दिन की करते हैं शुरुआत। तो गाइस, ब्रेकफास्ट बन चुका है। ब्रेकफास्ट में बनाए हैं मैंने परांठे, लेकिन मैंने परांठा को जो है मैंने ना आटे में ही सब कुछ डाल दिया था। मेरा बिल्कुल प्लेन है, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं डाला इसमें, फ्राई नहीं किया। बाकी सब नमक मसाले सब कुछ साथ लिया है, कद्दू की सब्जी, तो मेरा तो ये हो गया। और बाकी रहा काकू की थोड़ी सब्जी कम पड़ गई, बट खत्म हो गई है सब्जी। और ये क्या कहते हैं, काकू का है बटर परांठा, तो काकू और पूजा के पापा का है बटर परांठा, अपना मैंने लिया है नॉर्मल। कमेंट्स आ रहे हैं सूट सबको बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ, 3-4 कमेंट्स आए हैं कि सूट अब सारे पहनूंगी ना धीरे धीरे करके, चुन्नी नहीं है। हैं, हाँ चुन्नी करवा दो आप, मैं फिर सारे एक एक करके पहनती हूँ और मुझे और भी बना दो, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे करके बनाते जाओ, सूट मेरे काफी अच्छा पिछले ना अंदर भी बहुत पड़े हैं और एक तो टाइट हो गया रेड वाला, क्योंकि पहले से मैं थोड़ी सी वो फर्क पड़ गया है मेरे में, काफी सूट टाइट भी हो गया है मेरे को, निकाल देती हूँ। एक व्हाइट शर्ट है उसको भी थोड़ा काम करना है, उस पर काफी सूट पड़े हुए अंदर जो मैं यूज नहीं कर रही, और ऐसे के ऐसे ही अंदर पड़े हुए हैं और पूरे हैंगर भर रखे हैं, और जिसको मैं बस वही जो मेरे को डेली दिखता है मैं वही आगे निकाल लेती हूँ प्रेस करके। अब मेरे को सारे सूटों को पूरा क्लियर करके दो ताकि मैं उनको यूज कर सकूँ, ठीक है? और उसके बाद सुनो मेरी, और मैं सोच रही हूँ मेरे को फंक्शन के लिए ना ड्रेप साड़ी का कुछ इंतजाम करके दो। ड्रेप साड़ियाँ बना दोगे पूरी? क्योंकि बाजार से अगर हम लेने बैठेंगे ना तो 7,000 से कम नहीं है। और है तो कपड़ा क्या, जॉर्जेट? क्योंकि वो सिमटा हुआ तो जॉर्जेट ही रहेगा, मेरे को फूला हुआ बिल्कुल काम नहीं चाहिए उसके अंदर। जॉर्जेट बढ़िया वाला जॉर्जेट और ब्लाउज हैवी, ठीक है ना? वो भी तो वही दे रहे हैं, ब्लाउज हैवी दे रहे हैं। पूजा की साड़ी में भी यही था, ब्लाउज हैवी था, बस वो पल्ला सेट होता है। अब वो सेट कर दो, नहीं तो मैं खुला भी कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेट कर दो पूरा, वो सिमटा हुआ जो थोड़ा सा आता है बस, ठीक है ना? वो वाला करवा दो मेरे को, मैं फिर यही वाला काम करती हूँ। मैं फिर और ड्रेसेस नहीं देख रही, फिर भी एक दो नज़र मारती हूँ, अगर कोई सही रेट में मिल जाती है मेरे को मार्केट में तो मैं अगर ले लूँगी, अगर नहीं एंड टाइम कुछ होता तो फिर वो ऑप्शन वही है, ठीक है ना? कलर ब्लैक, ब्लैक सुंदर लगता है ना? हैं, ब्लैक या मैं सोच रही हूँ वो वाला वाइन कलर भी सुंदर लगता है, पर वाइन में ना वो ब्लाउज का थोड़ा वो हो जाएगा। ब्लैक में नहीं, नहीं लेस नहीं लगानी ये, अगर पल्ला खुला छोड़ती हूँ तो लेस लगेगी, वैसे ही नहीं लगेगी। वैसे जो सबकी है वो सिंपल है साड़ी, लग जाती है। चलो आप देख लो, आप जैसा आपको सही लगे, अच्छी सी लेस ले आएंगे सिमटी हुई सी और वो चारों साइड लगा दूंगी, ठीक है? और पहले मेरे को मार्केट से देख के आने दो, ठीक है? तो गाइस, मेरे पास ना कमेंट्स आ रखे थे कि पूजा के पापा की शॉप की लोकेशन डाल दो, तो लोकेशन नहीं, मैं पूरा एड्रेस डाल रही हूँ। आप फोन पे बात करके पूछ लीजिए कहाँ पर है, अगर आपको आना है तो कैसे आना है, वो सारा आपको पूजा के पापा बता देंगे। तो मैं इस पे ब्लॉग के अंदर ही एड्रेस उनकी जो शॉप का है उसका कार्ड डाल रही हूँ। गाइस, एक कमेंट से भी आ रखा था कि शुगर के लिए दालचीनी और ये जामुन का पाउडर, जामुन की गुठलियों का पाउडर, पर जामुन की गुठलियों का तो मैंने नहीं यूज़ किया, पर मैं दालचीनी जरूर यूज़ कर लूँगी। और चाय में मैं दालचीनी सुबह डालती हूँ, मुझे पूजा के पापा ने बोल रखा है दालचीनी जितनी ज़्यादा यूज़ कर सकेगी उतनी जल्दी शुगर घटेगी, और पहले से तो काफ़ी घट रही है मेरी गाइस शुगर, तो मैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार ना मेरी पूरी सेट हो जाए, उसके बाद मैं नहीं बढ़ने दूँगी दोबारा, उसके बाद कोशिश करूँगी कि एक ही में सेट रहे। वो काकू, अब बेटा तू भी तैयारी शुरू कर दे अपनी। पैसा कितना? 2,000-3,000? 10,000? तेरा दिमाग नहीं, मैंने कहा कोई कपड़े ये तुम ना कहा है कि तेरी शादी हो रही है कि तुमने इतना करना है, हैं? अरे फिर भी बहुत होता है काकू, इतने कोई महंगे को। हाँ तो मैं तो सस्ते में काम करूंगी, मैं इतने में करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, मैं अपने ढंग से चलूंगी, मेरे बस की नहीं है इतना, है ना? ओके क्या होता है? हाँ तो अपना लिमिटेशन में जो कपड़े हैं लिमिट के अंदर वही लो,
हाँ, क्या तुमने कोई 10,000 की कोई शेरवानी पहननी है क्या? मेरे लिए क्यों? मैं क्या शेरवानी? अलग कपड़े पहनाओ। तो फिर तुमने नॉर्मल पैंट शर्ट ही लेनी है ना? हाँ, पैंट शर्ट और ज्यादा से ज्यादा शूज ले लेगा तो तेरे 4,000 तक, 3,500 तक आ जाएगा। नहीं लेना, नए पड़े हैं ना? हाँ चल जाएगा, फिर आगे देख लियो। हाँ अभी जो जो है एक एक करके अपना करते जाओ, टाइम साथ पता भी नहीं चलता आ जाता है, हैं? जो समझ आएगा लेने वाली कर तू भी अपना। मैंने पापा को भी बोल दिया, मैं कहा अपनी तैयारी करो, जिस जिसने अपनी तैयारी करनी है करो, और मैं भी पूजा को पकड़ती हूँ, जो बाहर के काम है पूजा के साथ करूँगी सारे, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं पूजा को पकड़ती हूँ, ठीक है ना? और मामा तेरे को याद कर रहा था बड़ा। हाँ तो तेरे को बड़ा याद करता है, तेरे साथ ना अटैच है, शुरू में वहाँ रहा है ना तू, तो तेरे साथ शुरू से अटैच है वो। हाँ तो गाइस पहले हम वहीं रहते थे ना, तो दीपू के साथ तो बहुत अटैच है, काकू की अटैचमेंट काफ़ी अच्छी है, नानी वगैरह की सबकी बहुत। हाँ जब नाना होते थे तब से शुरू से इसकी अटैचमेंट फैमिली से उधर, क्योंकि हम पास रहते थे, हमारी पूजा की मेरी हमारी ज़्यादा है, और दीपू की सबसे अटैच कंचन के साथ भी और मेरे साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो शुरू से हम लोगों के साथ रहा है, तो मैं मम्मी के घर ना चली जाती थी। हाँ तो नाना होते थे तब भी तू जाता था, छोटा होता था तब तो तू, है ना? हाँ गाइस सब काकू की बहुत ज़्यादा, अब तेरे को याद कर रहा है, चला जा बीच में एक दिन, तू दोपहर को जाता है ना ऑफिस, उससे पहले मामा के पास चला जा। हाँ उसके साथ 2-3 घंटे बैठ जा, वो बड़ा खुश होता है, वो तेरे से बातें भी करता है पिछली सारी। हाँ पिछली सारी बातें करता है घूमने फिरने की, चला जा उसके साथ। हाँ चल ठीक है, चल वो चाय पी के निपट गए हैं। आज अब खाने पे आपने दोपहर को क्यों नहीं आए? कई बार दिल नहीं करता खाने का, है ना? हाँ तो मैंने तभी कहा था शाम को आके खा लेना, अब तो कोई बात नहीं, चलो फिर जब दिल करा तभी खा लो, जब पेट में जबरदस्ती खाने की तो नहीं है ना, पेट तो अपना है। हाँ पेट तो अपना ही है ना, थोड़ा एक रोटी कम खाओ ज्यादा सही रहता है। हाँ ये तो है, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी, कोई गैस, कुछ ऐसी चीटी भी रहती है। और बाकी चलो ब्रेकफास्ट का तो हमने बिल्कुल काम खत्म ही कर दिया, अब नॉर्मली हो गया ब्रेकफास्ट, तो वो भी सही है, हैं? और बाकी मैं क्या कहते हैं, ये आपको जो थोड़ी वीकनेस आ रही है उसका भी देखती हूँ, कि जो टांगों में दर्द है, वीकनेस है, देखो यूरिक एसिड भी नहीं है, कुछ नहीं है, नेक्स्ट भी बात है कि ये वैसे ही आपका हो रहा है, लेकिन ना हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपका वो भी देखती हूँ कि आपका डर, मुझे नहीं पता इस चीज का। और एक बात बोलूं, वही डाइट सही लो, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, डाइट लो, हाँ जूस पियो, जो आप कह रहे हो ताकत वाला होता है, जो नॉर्मली गाजर वाजर का ये सब होता है, चुकंदर का ये सब लो उसके साथ, और बाकी सुबह जो मॉर्निंग पे है वो दूध पियो आप, चाय तो आपकी खत्म ही हो गई है, एक सुबह एक शाम बस, अब इसके अलावा आप चाय तो पीते नहीं हो, चाय आपका दिल नहीं करता, ये करो। बाकी मैं आपकी डाइट का पूरा देखती हूँ, तो बाकी ये मसाले, आप मिर्च बहुत खाते हो, मिर्च भी खत्म करो अपनी, स्वाद होना चाहिए पर अब ना एक नहीं, ठीक है एक उम्र के हिसाब से, लेकिन लाल कम कर देती हूँ, हरी ज्यादा कर देती हूँ, लाल कम कर देती हूँ, हैं? दीदी दीदी होना तो बिल्कुल कम खाते हैं, आप तो तेज खाने लगे हैं। नहीं दीदी कम खाती है, दीदी हमारे हिसाब से आधी है मिर्च हमारी, फिर भी तेज होती है दीदी की, हमारे हिसाब से भी आधी मिर्च होती है। और आप क्या कहते हैं, शाम को आती हूँ, मेरे को सब्जी लेनी है, मेरे को तोरी वगैरह लेनी है, मुझे ना ब्रेकफास्ट में तोरी रोटी बनानी है कल, ठीक है? और क्या कहते हैं हेल्थ, और एक सोयाबीन लेती हूँ मैं, सुनो सोयाबीन की बड़ी में भी बहुत ताकत होती है, वो भी लेते हैं सोयाबीन की। और कल मैं एक रेसिपी डालती हूँ, रेसिपी भी और शेयर करूंगी सबके साथ, और नॉर्मली अपने लिए भी बनाऊंगी सोयाबीन, और मैंने सोचा चने की दाल साथ, दोनों प्रोटीन है अच्छी है, मैं बना के आप बताती हूँ, ठीक है? वो करती हूँ, आप अब दुकान जा रहे हो, मैं आती हूँ आपके पास 7:30, क्योंकि ज्यादा देर मैं भी नहीं टिक पाती, ठीक है? 7:30 के करीब आती हूँ, ठीक। मैं ना ऐसा करती हूँ सब्जी ले आती हूँ थोड़ी, और आज मैं घर से भी लेट हो गई हूँ। अरे ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था, मैं कहा चलो थोड़ा आराम से चल जाती हूँ, क्या जल्दी है जाने की, ठीक है? सब्जी तो लेनी थी, सब्जी ले आती हूँ। हाँ क्यों, क्या वैसे ही मैंने क्यों क्या करा? हाँ मर्जी आओ, जब मर्जी आओ। हाँ नहीं जाऊंगी तो आपके साथ, क्योंकि मैं ना मुश्किल होती है,
जाने में जाऊंगी आपके साथ ही, बस ये सब्जी ले आती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, वो वाले खीरे देसी वाले नहीं, वो नहीं ला रही मैं, अभी देसी अच्छा हुआ है। अरे वो कड़वे निकलते हैं, दीदी ने बोला है, दीदी कहती है वो उस खीरे में जरा भी कड़वापन नहीं होता। चलो मैं देखती हूँ, मुझे जो समझ आएगी मैं ले आऊंगी, अपनी मर्जी से ले आऊंगी। और देखती हूँ दीदी जी अजी बैठे होते दुकान पे, मिलाती हूँ, पता नहीं है नहीं है मेरे को नहीं पता, मैं जा रही हूँ तो वहीं से तो सब्जी मिलती है। देखो। और बताओ क्या सब्जी खानी है, तोरी लाऊं या बारिशों में नहीं खाए तोरी? वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है ना, खा रहे हैं ना, तो तोरी भी ले आती हूँ। चलो तोरी, पालक नहीं लूंगी अभी, पालक नहीं लेती, पालक अगले महीने लेती हूँ, बाकी मैं वो लेके बस फटाफट आती। और कौन तो नहीं लाने, कौन अभी खाए आपने? पड़े हुए थे घर में, क्योंकि आप नहीं उबाले थे इस बारी, आधे पड़े हैं ना। चलो ठीक है, नहीं आज नहीं, आज बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खाने का। आज पता है वो सब्जी रखी हुई है वो सीताफल की, तो वही रोटी रोटी खानी है बस, हाँ वही खा लेंगे, बाकी कोई काम नहीं है। मैं फटाफट जाके ये लेके आती हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने अपने लिए बनाई है खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी खाऊंगी, बाकी इन पूजा के पापा और काकू के लिए बनाई है रोटी। डिनर हो चुका है, बस अब ऐसा लग रहा है कि बस नींद आ, इतनी तेज जोरों की नींद आ रही है कि बस जैसे लगता है कि लेटूंगी तो नींद आ जाएगी, और टाइम खास नहीं हुआ, टाइम अभी बस मुश्किल से 11:30 हुए हैं। पूजा के पापा कह रहे हैं मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, क्योंकि सुबह के ना उठे हुए थे हम, उठे थे 7:30 बजे के करीब, उसके बाद मेरे को दोपहर को नींद नहीं आई। मुझे अब ऐसी हालत हो रही है कि बस जैसे ही मैं लेटूंगी मुझे नींद आ जाएगी, और बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि फोन भी देखूं या कुछ देखूं। बस पूजा के पापा भी कह रहे हैं मुझे भी आ रही है, काकू देखो काकू लेट सोएगा तो सोएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।